Mahakal Corridor in the ancient city of Ujjain is home to one of Lord Shiva's fiercest forms, a form beyond time, death and infinite space. A cosmic dancer, a timeless deity, he is the Mahakal, and his abode, the Mahakaleshwar Temple, cradles the soul of the city. Echoing this divine spirit is the Mahakal Lok. Being one of the 12 Jyotirlingas, Mahakal would draw visitors from across the globe. But the area around the temple was extremely congested and in a dismal state, affecting the experience of the devotees. पूरी तरह encroachment था, सारी तरफ बस्तियां बसी हुई थी. जितना एक्चुअली ये लोएस्ट एरिया, ये रुद्र सागर तालाब है जिसमें लोएस्ट एरिया होने के कारण सारे शहर का पानी जो गंदे नाले स्ट्रॉन्ग वाटर से सीवरेज थी वो सब आके इसमें होता था. And so, the decision to create the Mahakal Lok Corridor was taken under the Smart City Mission. The planning committee had priests, engineers, architects and experts to craft a holistic master plan after scrutinizing multiple factors. समाज के लिए कुछ कर रहे हैं जो समाज के सामने प्रस्तुत होना है. एंड इट इज़ ऑल्सो हैविंग रिलीजियस आस्पेक्ट. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड ऑल्सो यू हैव टू टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट द पीपल अबाउट द हिडन मीनिंग्स ऑफ द रिलीजियस स्टोरीज. अराउंड 2 lakh devotees विजिट द ग्रैंड कॉरिडोर एवरी डे. Their safety and security is ensured by the digital brain of the Mahakal complex Trinetra. Mahakal's Command and Control Center, a state-of-the-art center which keeps a close eye on the entire complex. बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई दर्शनार्थियों की संख्या के साथ में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू रहता है. तो एक पहला ऐसा भारत का ये कॉरिडोर है जहाँ पे हमने AI को इंट्रोड्यूस किया है CCTV सर्विलेंस के साथ साथ. The corridor has transformed the economic fabric of the city in just a few months. उज्जैन के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं. हमारे यहाँ के ऑटो वाले से लेकर के होटल व्यवसाय से लेकर के यहाँ के जितने भी सामग्री बेचने वाले लोग हैं या भोजन की दुकानें होटलें इन सबका व्यवसाय बढ़ा है और इसके कारण से हमारे उज्जैन में एक नई चेतना आई है. Today, the corridor isn't just a physical space. It's a spiritual odyssey, guiding souls towards transcendence. मेरे पेरेंट्स की बहुत इच्छा थी कि उनको शिव जी के दर्शन करने थे. मेरी मॉम ने शिव पुराण करी थी तो उनको वो शिव जी के दर्शन करने थे. मेरी मदर इन लॉ है साथ में तो शुरू में थोड़ा सा डर था कि बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए चलना खड़े रहना भी, लेकिन यहाँ आकर बहुत अच्छी फैसिलिटी है. के दर्शन में ज़्यादा धक्की मुक्की कुछ नहीं हो रही थी, पूरा भरा हुआ था तो भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमको और सामने जाके एकदम दर्शन हो गए तो बहुत ही बढ़िया लगा. What the government of India is doing is absolutely amazing. They are making a tier 2 city into a smart city. This corridor is beautiful. जब कॉरिडोर में आते हैं तो वो तो एक अजूबा है जो में आगे जैसे हम लोग कभी हमने जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि हमारे जिंदा रहते कभी ऐसा चेंज आ भी सकता है. The Mahakal Lok, where Shiva reigns supreme. And as the pilgrims tread its sacred pathways, they become part of a divine, timeless journey.